मिश्कात में एक हदीस है, अबुज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, मैं तुझे अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि अल्लाह से डरते रहना तेरे दीनी और दुनियावी कामों की खूबसूरती और आराइश का बायस होगा। मैंने अर्ज किया, कुछ और फरमाइए। आपने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह के जिक्र को अपने लिए जरूरी करार दे, इसलिए कि वो अल्लाह ताला का जिक्र आसमान में तेरे जिक्र का मूजिब होगा और जमीन पर वो नूरे मारिफत का बायस होगा। मैंने अर्ज किया, कुछ और बताइए। आपने फरमाया, तवील खामोशी इख्तियार कर, इसलिए कि खामोशी शैतान को रुसवा करती है और अमर दीन में तेरी मददगार है। मैंने अर्ज किया, कुछ और फरमाइए। आपने फरमाया, अपने आप को ज्यादा हंसने से बचा, इसलिए कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे की शुगुफ्तगी को जायल कर देता है। मैंने अर्ज किया, कुछ और फरमाइए। आपने फरमाया, सच्ची बात कह अगर शुगुतल हो। मैंने अर्ज किया, कुछ और फरमाइए। आपने फरमाया, दीनी उमूर के इजहार में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरो। मैंने अर्ज किया, कुछ और फरमाइए। आपने फरमाया, जब किसी की ऐब गिरी यानी ऐब उछालने का ख्याल तेरे दिल में पैदा हो तो उसके इजहार से तुझे तेरा ये ख्याल रोक दे कि मुझमें भी कुछ ऐब है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नसीहतें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की